हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कोमल बहल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेद। दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है जो बीएमएस के बाद अपना करियर एज अ लेक्चरर देखते हैं, जो अध्यापक बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं। टीचर बनना अपने आप में ही एक बहुत ही सौभाग्य की बात होती है, जिसमें आप बच्चों को अपना ज्ञान बांटते हैं एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। दोस्तों, अगर आपने बीएमएस के बाद टीचिंग लाइन में जाने का सोचा है, तो उसके लिए देखिए, जो प्रोफेसर है उसमें तीन स्टेजेस होती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर एंड देन प्रोफेसर, या फिर कई कॉलेजेस में आप कह लीजिए कि लेक्चरर एंड देन रीडर एंड देन प्रोफेसर। स्टार्टिंग में जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर बनते हैं, ठीक है। लेक्चरर बनने के 5 साल बाद जब आपको 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो जाता है, टीचिंग एक्सपीरियंस, तब आपकी प्रमोशन होती है एज अ रीडर, एंड रीडर के 3 साल बाद एज अ प्रोफेसर। लेकिन अब कई कॉलेजेस में क्या है कि अगर प्रमोशन नहीं होती है तो एज अ लेक्चरर आप 10 साल काम करते हैं, तो आप डायरेक्टली कहीं और एज अ प्रोफेसर जो डेजिग्नेशन है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो सबसे पहला स्टेप है फॉर बिगनर्स एज अ लेक्चरर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर। देखिए दोस्तों, अगर आपने टीचिंग लाइन में जाना है तो आपको बीएमएस के बाद जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है एमडी, वो करनी पड़ेगी। इसमें है असेंशियल क्वालिफिकेशन एंड डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन। असेंशियल क्वालिफिकेशन में आ जाता है बीएमएस एमडी, एंड डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में आ जाता है पीएचडी। आपका वर्किंग एक्सपीरियंस कितने साल का है एंड आपकी रिसर्च पब्लिकेशन, आपकी कुछ रिसर्च जो अच्छे अच्छे जर्नल्स में पब्लिश्ड हुई हो, ठीक है। तो असेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर आपके पास बीएमएस एमडी है तो आप एज अ लेक्चरर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी देखिए, प्राइवेट कॉलेज आ जाते हैं या फिर गवर्नमेंट कॉलेज आ जाते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस जैसे जो स्टेट लेवल पे होते हैं, उसमें आप बीएमएस एमडी के बाद अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर इंटरव्यू यू कैन जॉइन द जॉब एज अ लेक्चरर, ठीक है, एंड अपना करियर जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं विद अ वेरी गुड इनकम, ठीक है। अब आ जाता है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में होते हैं, उसमें कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं। जो स्टेट लेवल के कॉलेजेस होते हैं, उसमें आपको पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना होता है, इंटरव्यू देना होता है, एंड आपकी जॉब लग जाती है। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अलग अलग स्टेट्स में, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। बीएमएस एमडी के बाद कई यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू के बाद आपकी जॉब लग जाती है एज एन प्रोफेसर। कई यूनिवर्सिटीज़ जो है वो रिटन टेस्ट मांगती हैं, फिर उसके बाद इंटरव्यू लेती हैं, उसके बाद आपकी जॉब लगती है। कई यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टीचिंग एक्सपीरियंस भी मांगती हैं, आपका रिसर्च पब्लिकेशन भी मांगती हैं, मतलब डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन भी वहाँ पर मैंडेटरी हो जाती है। तो दोस्तों, ये था प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स में कैसे कैसे आपका जो है रिक्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। प्राइवेट में आपको बीएमएस एमडी के बाद इंटरव्यू देना होता है, या फिर बिना इंटरव्यू के डायरेक्टली आप सिलेक्ट हो जाते हैं जब आप अप्लाई करते हैं। गवर्नमेंट में जो स्टेट लेवल है, वहाँ पे आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, एंड आफ्टर इंटरव्यू आपका सिलेक्शन हो जाता है। एंड यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस जो हैं, उसमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। असेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की अलग अलग रिक्वायरमेंट बदलती रहती है। तो दोस्तों, अगर आप टीचिंग लाइन में अपना करियर जो है आफ्टर बीएमएस सोच रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें जो है आपको जो इनकम सोर्स है वो बहुत अच्छा है, एंड आपका जो करियर है वो भी बहुत, मतलब कि एक अच्छे ट्रैक पे आ जाता है। अगर आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन बटन दबा के ऑल का ऑप्शन आता है उसको ज़रूर दबाइए, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।